आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी टिप्स जिसकी मदद से आप 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रिपो गाइड। रिसेंटली आई हैव अचीव्ड 1000 सब्सक्राइबर इन माय चैनल और मुझे ये अचीव करने के लिए लगे ऑलमोस्ट 1 ईयर। अब इस पूरे एक साल में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी और मुझे उससे क्या सीखने को मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ विथ 5 टिप्स। यानी ये 5 टिप आपकी मदद करेगी आपके चैनल को ग्रोथ करने में, 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपकी मदद करते हैं 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने के लिए जल्द से जल्द। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको एंड में मिलेगा एक बोनस टिप जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, आपकी ऑडियंस बनाने के लिए, आपके सब्सक्राइबर काउंट को आसमान तक पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे वीडियो को, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए और पार्ट बन जाइए TG फैमिली का। तो हियर इज द फर्स्ट टिप। द फर्स्ट टिप इज नीच डाउन योर यूट्यूब चैनल। अब इसको हम थोड़ा इलैबोरेट कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल की टॉपिक को डिसाइड करना होगा। आप ट्रैवलिंग चैनल बनाते हैं, आप एडुकेशन चैनल बनाते हैं, आपका फूड से रिलेटेड शो है, तो आपको नीच डाउन करना होगा अपने चैनल को। यानी कि अगर आप किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसी टॉपिक के अराउंड अपना कॉन्टेंट रखना होगा। इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यानी कि जैसे आप जब टीवी देखते हैं, यानी कि आपके टीवी पे जो चैनल्स होते हैं, म्यूज़िक चैनल, न्यूज़ चैनल, मूवीज़ चैनल, ये सारे कैटेगराइज होते हैं। तो यही आपको अपने YouTube चैनल के लिए भी करना है। आपको उसको नीच डाउन करना है, आपको टॉपिक को एकदम नैरो रखना है। यानी कि अगर आपका YouTube चैनल ट्रैवल से रिलेटेड है तो आपको उसमें ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट ही डालना है। अगर आपका फूड से रिलेटेड शो है तो आपको फूड से रिलेटेड उसके अंदर कंटेंट डालना है। अगर आपका चैनल किसी एक कैटेगरी का है तो आपको उसी कैटेगरी में सारा कंटेंट रखना है। अगर आप अपने कैटेगरी से अलग कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको उसके लिए एक सॉलिड रीज़न देना होगा ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो उसको समझ पाए कि क्यों ये जो आपका कंटेंट है या ये पर्टिकुलर वीडियो क्यों आपकी कंटेंट से अलग है। फॉर एग्जांपल, अभी करंट सिनेरियो में पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पर कई सारे ऐसे चैनल हैं जो अपने थीम से हटकर कुछ अलग कंटेंट बना रहे हैं। तो अभी सब जानते हैं, उनके ऑडियंस को भी मालूम है कि एक सर्टेन सिचुएशन है, तो ये एक सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप अपने कंटेंट से थोड़ा ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट आपको मेजर पार्ट पे ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको अपने टॉपिक से भटकना नहीं है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड टिप इज ऑप्टिमाइज। अब हमें मान लेते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपने वीडियो क्रिएट भी कर दिया, आपने अपलोड भी कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे ऑप्टिमाइज, एंड दैट इज़ आवर सेकंड टिप, ऑप्टिमाइज योर वीडियो। अब वीडियो को ऑप्टिमाइज़ करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपने कई सारी वीडियो में देखा भी होगा जब आपने रिसर्च करी होगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैगिंग। एंड यही आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सबसे पहला वीडियो आपने बनाया है या जो आपने वीडियो बनाया है उसका जो आप टाइटल रख रहे हैं वो टाइटल होना चाहिए रिलेटेड टू योर वीडियो। ऐसा नहीं कि आपने अपने टॉपिक से हटकर कुछ रख दिया ताकि लोग सर्चेबल कंटेंट में आ जाए, ऐसा मत करिएगा। जो आपका वीडियो है उसी से रिलेटेड आपका टाइटल होना चाहिए। जब आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं तो टाइटल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होता है जिसमें आपको 5000 वर्ड्स का लिमिट दिया है। तो उस लिमिट को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके अंदर अपनी वीडियो के बारे में डिटेल दीजिए, थोड़ा सा चैनल के बारे में डिटेल दीजिए। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सीरियसली ले और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से भरें। आपकी वीडियो के बारे में जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं उस वीडियो में ज़रूर दें कि जो ऑडियंस है उनको क्या मिलने वाला है। साथ ही आप अपने चैनल के बारे में भी वहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन वहाँ दे सकते हैं। तो सेकंड टिप जो है वो है ऑप्टिमाइज़ योर वीडियो। आपने वीडियो बनाने के बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करना है और फ्यू बेसिक चीज़ जो हमने आपको बताई, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैगिंग। अब टैगिंग थर्ड पॉइंट यहाँ पे टैगिंग है। टैगिंग में आपको क्या करना है? टैगिंग में आपको आपके रिलेटेड कंटेंट जो आपने वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड टैगिंग्स डालनी है। जैसे कि अगर ये हमारा करंट वीडियो जो मैंने वीडियो बनाया है ये है 1000 सब्सक्राइबर के बारे में, तो आप इसमें ये डाल सकते हैं टैगिंग में, हाउ यू कैन गेट 1000 सब्सक्राइबर, आई वॉन्ट टू अचीव 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर। इस तरीके से आप टैगिंग क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। तो ये थी हमारी सेकंड टिप। टिप नंबर 3, आपने YouTube चैनल बना लिया, वीडियो अपलोड कर दिया, उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। नाउ द थर्ड टिप, अब आपको करना क्या है? आपको करना है शेयर, शेयर एंड शेयर। आपको अपनी वीडियो को शेयर करना है। YouTube में तो आपने वीडियो अपलोड कर दिया, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपके अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, फेसबुक, लिंक्डइन,
ट्विटर, जितने भी ऐसे इंस्टाग्राम, अब जितने भी ऐसे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनमें आपको उसको शेयर करना है ताकि लोग जान पाए, ऑडियंस जान पाए कि आपका एक नया वीडियो आया है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको वीडियो को देखें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो सके तो आप वीडियो अपलोड करने से पहले एक शाउट आउट कर सकते हैं, यानी फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल सकते हैं कि आपका नया वीडियो आने वाला है या आ चुका है, इस तरीके से ताकि लोग थोड़े अवेयर हो जाए और आपकी वीडियो पर वो आ पाए। सो इस तरीके से आपको एक आउटर सोर्स से भी एक ऑडियंस मिलेगी। यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो तो है, लेकिन अदर सोशल मीडिया हैंडल से भी आपकी जो ऑडियंस है वो आपके यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो वीडियो बनाने के साथ साथ उसको शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पर आपकी जो ऑडियंस है वो क्रिएट नहीं हुई है, तो आपको ऑडियंस बनानी है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बनाने के लिए आपको सभी प्लेटफॉर्म पर आपकी वीडियो को शेयर करना होगा, आपके व्हाट्सएप पर आपको शेयर करना होगा, जितने भी वेज में आप कनेक्टेड हैं कम्युनिटी से, डिफरेंट डिफरेंट सोशल कम्युनिटी से, वहाँ पर आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपका वीडियो देखें। एंड देन अगर आपके वीडियो के अंदर क्वालिटी होगी तो वो ज़रूर सस्टेन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आपके चैनल को, और इस तरीके से आपका सब्सक्राइबर जो रेट है वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ द थर्ड टिप, शेयर शेयर एंड शेयर। टिप नंबर 4, कंसिस्टेंसी। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कंसिस्टेंसी को। अब आपने वीडियोज बना लिया, अब आपने चैनल आपका रेडी हो चुका है, वीडियो आप बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको एक रेट ऑफ अपलोडिंग वीडियो को कंसिस्टेंट करना होगा। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप हफ्ते में कितनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वीक में सिर्फ दो ही वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं तो आपको ये कंसिस्टेंट रखना होगा, यानी कि फर्स्ट वीक में दो, सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑन, इस तरीके से करना होगा। अगर आप दो भी नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एक वीडियो बना पा रहे हैं या एक वीडियो ही अपलोड करेंगे, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपका कंटेंट अच्छा है, आप हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हैं, तो आप उसको कंसिस्टेंट रखिए, यानी कि आप हर हफ्ते वीडियो डालिए। अगर पॉसिबल है तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं, टाइम ऑफ अपलोडिंग, यानी कि आप किस समय अपना वीडियो अपलोड करते हैं वो टाइम भी आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ रजिस्टर हो जाती है कि आपका जो वीडियो है वो इस टाइम पर इतने बजे अपलोड होता है, तो वो लोग उस टाइम पर अवेयर रहते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ अपलोडिंग वीडियो है, मेकिंग ऑफ वीडियो है, उसमें कंसिस्टेंट रहना होगा। ये मैटर नहीं करता कि आप डेली वीडियो बना रहे हैं, अच्छे वीडियो में हो सकता है कि आप जॉब करते हो तो आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप वीक में शायद एक ही वीडियो बना पाएंगे, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंट रखिए। एवरी वीक आपको वीडियो अपलोड करना ही करना है, आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। देखिए यूट्यूब की जो रेस है, यूट्यूब का जो कम्युनिटी है, ये एक मैराथन है, आपने कई बार सुना होगा। इसका मतलब यही है कि आपको जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स नहीं मिलते इसमें, लॉन्ग टर्म में। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट आप डिसाइड कीजिए, दो वीडियो, तीन वीडियो वीकली, और उसको मेंटेन कीजिए फॉर अ लॉन्गर रन। आपको हमेशा इसको मेंटेन करना होगा। आपको अपने यूट्यूब चैनल को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करना होगा। जब तक आप अपने यूट्यूब चैनल को एज अ ब्रांड नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो आपको खुद को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको खुद को एक रूटीन मेंटेन करना है, एंड देन ग्रेजुअली आपकी ऑडियंस भी ग्रोथ होगी और आपकी जो सब्सक्राइबर काउंट है वो भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी। टिप नंबर 5, एड वैल्यू टू योर कॉन्टेंट। अब यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपके यूट्यूब वीडियो में, यानी आपके वीडियो में आपको एक वैल्यू ऐड करना होगा। एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एडुकेशन, रिलैक्सेशन, कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए उसके अंदर जिससे कि ऑडियंस आपके वीडियो पर रुके, वीडियो को देखे। एंड देन यू हैव टू कीप प्रोवाइडिंग दिस वैल्यूज इन ईच एंड एवरी वीडियो, यानी कि आपका जो आने वाले वीडियोस हैं उनको भी आप टिकट फॉर ग्रांटेड ना लें, ऐसे ही ना बना दें बस कि अपलोड करने के लिए। कोशिश करें कि आपकी हर वीडियो में एक वैल्यू ऐड हो, ताकि जब कोई ऑडियंस आए, कोई व्यूवर आपके वीडियो पर आए, आपके चैनल पर आए, तो वो यहाँ से या तो कुछ सीख के जाए, एंटरटेन होकर जाए, रिलैक्स होकर जाए, कनेक्ट होकर जाए। कुछ तो आपकी वीडियो में ऐसा होना चाहिए जो वैल्यू ऐड करे सामने वाले ऑडियंस की लाइफ में। उन फैक्टर्स में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, तो आपको वो चीज़ भी समझनी होगी। आपको खुद को एक खुद सेल्फ चेक आपको करना होगा आपके वीडियो के कंटेंट की वैल्यू के बारे में, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी आपको तो मेंटेन करनी ही है ऑफकोर्स, बट आपकी जो वीडियो है उसमें एक वैल्यू भी ऐड करनी है। जब तक इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी, जब तक उसमें ऐसा नहीं होगी ऑडियंस के लिए कुछ है, तब तक आपकी जो सब्सक्राइबर काउंट है, जो ऑडियंस है, वो नहीं बढ़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस,
एड वैल्यू टू योर कंटेंट, अपने वीडियो खुद से जज करें और इनमें से कोई एक पॉइंट जरूर डालें। अगर आप एंटरटेनमेंट एजुकेशन को मैच कर सकते हैं, अगर आप दो तीन पॉइंट्स को मैच कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके वीडियो में ये सारे पॉइंट्स हुए तो ऑडियंस जरूर कंसिस्टेंट होगी आपके वीडियो देखने में, आपके चैनल को देखने में, और एक बार देखने के बाद में वापस जरूर आएगी आपका वीडियो देखने के लिए। नाउ द टाइम फॉर द बोनस टिप। अब बोनस टिप में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका YouTube चैनल, मान लीजिए आप काफ़ी समय से आप अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, आपको लगता है आपके कंटेंट में काफ़ी दम है, आपका जो कंटेंट है वो वैल्यू वाला कंटेंट है, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आपके पास ऑडियंस ग्रो नहीं हो पा रही है, व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, व्यूअर नहीं आ रहे हैं, ऑडियंस नहीं मिल पा रही, आपको लग रहा है YouTube अभी आपकी वीडियो सजेस्ट नहीं कर रहा है लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं? तो बोनस टिप में हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आप मदद ले सकते हैं आउटसोर्स प्रमोशन की, यानी कि फेसबुक, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम पेड प्रमोशन की मदद आप ले सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है यूट्यूब ऐड से, गूगल ऐड से, यानी कि आप अपने चैनल का एक छोटा सा टीज़र बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव टीज़र, यानी कि जिसमें आप अपने चैनल के बारे में बताते हैं, और इंटरेस्टिंग टीज़र बना लीजिए 5 to 10, 15, 20 सेकेंड का, और उसको आप फिर प्रमोट कर सकते हैं पेड प्रमोशन के थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब एड्स में भी। जैसे आपके चैनल पर दूसरे चैनल्स की एड्स आती हैं, उसी तरह आपकी एड्स भी दूसरे चैनल्स पर आ सकती हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली तो आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। जब आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं इन प्रमोशन, तो एक तो आपको जो प्रमोशन के थ्रू एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपकी ऑडियंस ज़रूर आपके चैनल को देखेगी, फोर्सफुली प्रमोट किया जाता है, और उन्हीं जोन्स पर प्रमोट किया जाता है, उन्हीं चैनल्स पर प्रमोट किया जाता है जहाँ पर आपके टॉपिक के बारे में लोग सर्च कर रहे होंगे। यानी कि अगर आपका चैनल ट्रैवल के बारे में है, तो अगर आप प्रमोशन करते हैं यूट्यूब एड्स में गूगल एड्स की मदद से, तो आपकी जो टीज़र है आपके जो चैनल के बारे में जो वो ऐड दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा जो लोग ट्रैवल के बारे में सर्च करते हैं, यानी कि आप रेलिवेंट कस्टमर्स के पास आपकी ऐड जाएगी। तो ये एक सही तरीका है आपको एक्सपोजर देने के लिए, आपके चैनल को एक्सपोजर देने के लिए। तो आप इसकी मदद भी ले सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं अपने चैनल को। तो दिस इज द बोनस टिप, यू कैन गो विद द पेड प्रमोशन। सो दीज आर द 5 टिप्स जिसकी मदद से आप 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं होप करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई कमेंट करना चाहते कमेंट भी कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिपो गाइड, थैंक यू।